कानपुर के बर्रा आर्ट ई ब्लॉक मेहरबाग सिंह का पूर्वा वर्ण विहार मर्दनपुर आदि इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। लोगों ने घरों से पलायन करना शुरू कर दिया है। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बताते चले कि कानपुर में पांडु नदी में आई बाढ़ की वजह से बर्रा आर्ट ई ब्लॉक वरुण विहार के कई परिवार मकान खाली करके चले गए हैं, साथ ही कच्चे मकान गिरने लगे हैं। हालांकि बाढ़ का ज्यादा असर मेहरबान सिंह का पूर्वा गुजैरी मर्दनपुर गांव बनपुरवा कंचनपुरवा तात्या टोपे नगर रायपुरवा ग्राम बिहारीपुरवा समेत कई इलाकों में है। यहां के भी लोगों ने डर की वजह से अपना सामान पैक करना और घरों से पलायन करना शुरू कर दिया है। काफी संख्या में लोग घर खाली करके चले भी गए हैं। भारी बारिश के चलते पांडु नगर का पानी उफान पर आ गया है और पानी आसपास के इलाकों तक पहुंच गया है। कई घर डूब भी गए हैं। वहीं प्रशासन ने कई घरों को खाली भी करा दिया है। ऐसे में 16 अगस्त से जो स्कूल खुलने वाले हैं, जलभराव की समस्या से जो लोग हैं वो 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि घरों में पानी भरा हुआ है। लोग अपने काम काज पर भी नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में जब स्कूल खुल जाएंगे तो आखिर छात्र और छात्राएं कैसे स्कूल जाएंगे। जलभराव की समस्या अभी तक बरकरार बनी हुई है। इलाके के संतोष पांडे ने बताया कि जलभराव की समस्या के चलते उन्होंने घर खाली कर दिया है और अपने गांव चले आए हैं। अब जब पानी बिल्कुल तरीके से खत्म होगा तभी वापसी करेंगे। ऐसे में काम धंधा भी बिल्कुल चौपट हो गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।